हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं यस बैंक में आपको अपडेट करना चाहता हूँ। यस बैंक में थोड़ा उथल पुथल ज़्यादा हो रहा था, तो सोचा यस बैंक पे आपको अपडेट ज़रूर दे दूँ। तो यस बैंक में अपडेट आपको लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि यस बैंक में अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाई हुई है तो उसे निकलने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ठीक है, और डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे तो 18-19% है, जो कि बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा इंडस्ट्री से, चूँकि घर में खुद लड़ाई हो रही है, यस बैंक के प्रोमोटर्स में कुछ ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तो इसके चलते ये जो भी मार्केट में देखने को जा रहा है वो इनके खुद के बीच में जो अस्थिरता है उसके बीच में देखने को मिल रहा है। ये खुद ही पर राणा कपूर मधु कपूर जो लड़ाई हो रही है, डायरेक्टर कौन पहले रखेगा, जो 31 तारीख को उनको जाना है राणा कपूर को, और उसके पहले MD CEO फाइनल करना है, और उसके बीच में एक मोस्ट वाली 30 दिसंबर इनके पहले इनको अपना सक्सेसर प्लान बता देना है। और उस बीच में ज़्यादा ही उछल कूद हो रहा है कि डायरेक्टर कौन हम नॉमिनेट करेंगे। अगर हम मधु कपूर जी नॉमिनेट डायरेक्टर करती है तो राणा कपूर जी को मानना पड़ेगा। राणा कपूर जी तब तक वो, मतलब हम जब तक डायरेक्टर मान लो करते हैं तब तक वो निकाल नहीं सकते, बाय रोटेशन वो निकलेंगे नहीं। ये सब उनकी फाइट चल रही है कि हम आदमी पहले रखेंगे, हमारा आदमी ज़्यादा रहेगा, हमारी पोजिशन ज़्यादा है। इसमें सब लोग, उनके बेटे बेटी सब लोग मिलकर के 4 बार तो मीटिंग हो चुकी है उनकी, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। इसके कारण कुछ हो चाहे नहीं हो, शेयर होल्डर के वर्थ तो जा रहे हैं। आज इनफैक्ट आप देखेंगे तो इन्होंने एडवांस में जा करके, अगर इनका एक कंपनी है जो बना करके रखा है, उसका प्रमोटर में राणा कपूर है, मधु कपूर है, और एक प्रमोटर ग्रुप है इनका, तो एडवांस में जा करके जो NCD इशू किया था उसका आज 200-400 करोड़ पेमेंट किया उन्होंने, ये बताने के लिए कि फाइनेंशियली कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो भी गड़बड़ है इनके बीच की पर्सनल ईगो है, तो उसके चक्कर में मोदी ने इसकी रेटिंग भी कम कर दी, नेगेटिव रेटिंग कर दी है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं कि हमको डर जाना है। अगर किसी न्यू कमर को तुरंत सुन के जाना है तो आप 165 का टारगेट रख लीजिए, वो जो इसका लो पहले का है 165 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और आप इसे पोजिशन बाय कीजिए। 165 के स्टॉप लॉस से आपको पोजिशन बाय करनी है। यस बैंक में यही पोजिशन है, और बेस्ट क्या है, आप इसको बाय करें 205 के बाद। अगर किसी के पास है तो 165 के स्टॉप लॉस से बने रहे, और अगर किसी को न्यू बाय करनी है यस बैंक में तो 205 से बाय करें, जो कि इसका 21 दिन का डेमा है। चलिए अब इसमें हुआ क्या, आज क्या हुआ आज देखेंगे। तो आज ये 5-5 मिनट में ऐसा फिसल रहा था, पूछिए मत। ये लो 100 ओपन हुआ 193 पे, लो बना दिया 180 का, उसके बाद हाई बना दिया 193 का, फिर वापस 100 लो बना दिया 182 का। इतने मतलब समझिए एक से एक न्यूज था, और वॉल्यूम देखिए 7 करोड़ का वॉल्यूम, 5 करोड़ 6, आज तो हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ इसमें, तो वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है। और 5% के साथ गिरावट, 5 पॉइंट के गिरावट, 2.79% के गिरावट के साथ आज इसने क्लोजिंग दिया है। मेरे पॉइंट से भी अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, 6 महीने से साल भर के लिए, क्या बाइंग पोजीशन बनती है, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, बट मुझसे पूछे तो ये बाइंग पोजीशन बनती है। लेकिन हो सकता है कि आपको कल और नीचे इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दिखा रहा है वो अभी बहुत ही गैप है। छोटा मोटा गैप रहता तो कोई बात नहीं, इसको एक्चुअल में जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जाती है 187 की आती है, 187, और जो क्लोजिंग दे रहा है 182। इस तरह के कैश स्टॉक में 5 रुपया का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो चांसेस है कि ये आपको थोड़ा नीचे और दिखाए। ये ऐसा नहीं बोल रहा बहुत नीचे नहीं दिखाएगा, 165 ऐसा भी नहीं जाएगा, लेकिन एक बार इस पे प्रेशर में जो ट्रेडर है वो भी पैसा बनाएंगे और शॉर्ट करके बना लेंगे, तो आपको इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। इनिशिएटिव देखें, सेंटिमेंट देखें तो 74% बाइंग अभी भी है, और आज ही यस बैंक के प्रमोटर ने कुछ अपने सेटलमेंट प्रोसेस को लिस्ट आउट किए, कंडीशंस को, जो कंप्लीट लिस्ट आउट कुछ भी नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ नहीं, लेकिन हो क्या रहा, पहले बैंक कुछ इसके पर्सन रिजाइन करते हैं, फिर बीच में न्यूज आई कि एक्सपोजर है ILFS में, एक्सपोजर है इसका NBCC में, तो ये सब कुछ अच्छे खासे इनके न्यूज चलते रहते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब ये न्यूज आई कि इनके 5 बड़े लोग टॉप लोग जा रहे हैं, तो यस बैंक में भी ये एक अच्छा खासा न्यूज है जिसका इम्पैक्ट यस बैंक में देखने को मिला। वापस मैं बताता हूँ, 165 के स्टॉप लॉस से आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाए जाते हैं, सिंपल सा। अगर किसी को न्यूज़ सुनना है तो वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि वो न्यूज़ क्या था। तो ये न्यूज़ से पहले देखिए कि जब टॉप लेवल पर रेजिग्नेशन आ रहे थे, टॉप लेवल पर जब रेजिग्नेशन आ रहा था तो यहाँ पर एक मनी कंट्रोल ने अपनी एक इसको
रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके यहाँ पे हम जैसे यूजर को जानने के लिए भेजा है। आप भी सुन लीजिए। A spate of resignations have occurred at private sector lender Yes Bank. Let us talk to Money Control's Beena Verma to get more details on this development. So Beena, what led to Mr. Chandrasekharan's resignation? So as we know, Yes Bank has stated on the BSE filing that Mr. Chandrasekhar has resigned because of personal reasons. But we know that sources have told us that there could be some major changes at the board level which we are looking at, and Mr. Chandrasekhar is not quite happy with the developments. He's not comfortable, and hence he has resigned from the board as an independent director. We could see some more changes at the board level going forward. But again, you know, there have been four such resignations in the recent past. How do you read these developments? Clearly, the promoters are looking at some major changes because they are now seeking to appoint a successor to Rana Kapoor. So clearly, they are looking at people who could be approving of the new successor, which the promoters want. Again, the promoters need to accept these new appointees. Again, promoters are also at loggerheads with each other. But we need to see if the changes at the board level really cause changes at the successor level as well. Now, coming to Rana Kapoor, by when do you think will a successor be appointed? So as we know that Mr. Rana Kapoor is slated to step down in January as per RBI's directive, and they have suggested that they will come up with a successor's name by December end. We are yet to hear any names. We've heard so far HDFC Bank's outgoing Deputy Managing Director Mr. Paresh Suktankar's name coming up in the report, but nothing has been confirmed so far. Yes Bank has also appointed Korn Ferry as its agency to appoint a new successor. The names still are yet to go public. We'll have to wait as to what developments we see by December. Thank you, Beena, for all those details. So, major overhaul is expected. अब दूसरा देखेंगे तो फिर आज एक दूसरा न्यूज आया। ये तो था जो टॉप मैनेजमेंट जा रहे थे। अब दूसरा न्यूज क्या है? यस बैंक प्रमोटर्स ने सेटलमेंट प्रोसेस लिस्ट आउट कंडीशन अहेड ऑफ दिसंबर। कंडीशन प्रोसेस क्या क्या करेंगे, कौन कैसे प्रोसीड करेगा, तो आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी फाइनलाइजेशन हुआ नहीं इसमें। इनका ये कहना है कि हम डायरेक्टर फाइनल करेंगे, हम ये करेंगे, और इन इस चक्कर में कुछ तो होना जाना था नहीं। अच्छा खासा क्या कि आप ये देखिए जाकर के, आप ये वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। राणा कपूर कंडीशन दैट की इंडियन पार्टनर्स राणा कपूर और मधु कपूर लेट हस्बैंड अशोक कपूर विल हैव राइट टू अपॉइंट थ्री डायरेक्टर्स एज लॉन्ग एज दे होल्ड एटलीस्ट 10% स्टेक। Three appointed directors will include one director nominated by each partner, and the third nominated director will be jointly recommended by the Indian partners. Additionally, each partner will accept the director nomination by the other Indian partners, subject to board and nomination and remuneration committee (NRC) approval. Also, one director nominated by each partner will not be liable to retire by rotation. अब यहाँ पे retire by rotation भी condition है. A senior Yes Bank official confirmed the 9-point condition but did not reveal further details. At present, Kapoor also has promoted his promoted entities on 10.6%, while Kapoor along with her associate firm holds around 9.3% Yes Bank. The combined holding is 20%. ये सब चलेगा, चलते चलते कुछ नहीं हुआ, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आप सो देखिए। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, वाट द टॉप लेवल यहाँ पे फर्दर ऑन नवंबर 27 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, मोदी इन्वेस्टर सर्विस डाउनग्रेड यस बैंक फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग फ्रॉम टू BA1 फ्रॉम BAA3। अब यहाँ पे मोदी ने कुछ पकड़ के नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रिवाइज्ड इट्स आउटलुक टू नेगेटिव, साइटिंग लीडरशिप ट्रांजेक्शन एंड गवर्नेंस इश्यू एज क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव। अब उसने लीडरशिप इशू को ट्रांजेक्शन पीरियड के लिए और इसके लिए निगेटिव रैंकिंग कर दी, और आज धड़ाक से यहाँ से आपका सर पिट गया। अब ये सब कंडीशंस हैं जो चले। अब यहाँ द मूव कम्स जस्ट अहेड ऑफ द बैंक्स बोर्ड मीटिंग December 13 टू डिस्कस द सक्सेसर ऑफ राणा कपूर विल स्टेप डाउन यस बैंक सेवनटीन सीईओ बाय January 31, 2009 ऑन द रिजर्व बैंक्स इंडिया डायरेक्टिव। आफ्टर द आरबीआई राणा कपूर एंड वाइफ मेट मधु कपूर एंड हर सन गौरव कपूर एंड डॉटर्स सगन गोविया एटलीस्ट 4 times, बट नो सेटलमेंट वॉज रीच्ड। अब तक इनके बीच में कोई सेटलमेंट अभी भी फाइनल नहीं हुआ। तो यस बैंक में अगर हम देखने जाए तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखेंगे अच्छे खासा जो ये लोअर लो बना करके, अब यहाँ से अच्छा खासा यहाँ का जो लो था 180.20 था, आज 180 का इसने लो बनाया है। तो लोअर लो बनाने पे चालू हो गया, 194 के बाद लो बनाया,
182 और आज 180 बना दिया, तो लोअर लो का फॉर्मेशन है। अगर मैं आपको इसको आवरली बेसिस पे भी दिखा दूँ, इस चार्ट को मैं अगर आवरली बेसिस पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव लास्ट में जब जाकर के यहाँ पे आया, जब इसने यहाँ पे 180.40 का बनाया, तो इसके बाद यहाँ पे एक अपवर्ड लास्ट आवर में 182 का, चाहे शॉर्ट कवरिंग के थ्रू हो सकता है चाहे जिसके चलते हो रहा है, और बेरिश कंटिन्यूएशन रिलायबिलिटी हाई। अब इसकी बेरिश पैटर्न की कंटिन्यूटी को हाई बता दिया, मीन्स अभी भी यहाँ से बेरिश है, क्योंकि यहाँ सेल पैटर्न वॉल्यूम भी अच्छा खासा बन रहा है। और आप देखेंगे तो कोई भी सिग्नल पे देख लेंगे, जिसका आपको, चलिए MACD अपन देख लेते हैं और RSI देख लेते हैं, ये दोनों ही देख लेते हैं जो अच्छा खासा इंडिकेटर का काम करते हैं। तो आप देखिए MACD ये नीचे, उसको यहाँ से क्रॉस करते हुए ये नीचे की ओर जा रही है, और RSI भी अच्छा यहाँ पे 35 बिलो 40 आ चुका है, तो ये धीरे धीरे ओवरसोल्ड कंडीशन पे RSI जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये एक चीज़ समझ लीजिए कि अब ज़्यादा अगर जाएगा तो ओवरसोल्ड कंडीशन पे जाएगा, जहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, और स्टॉकिस RSI भी वही बता रहा है, नीचे फॉल आ रहा है। तो किसी कंडीशन में देखिए ये और थोड़ा गिर सकता है, तो आप देखेंगे 20 यहाँ पे जाकर हो सकता है, एक बार ये जो लो टच किया था 30.22 का, वो वापस यहाँ पे एक बार टच करे, तो आपको हो सकता है यहाँ से 5-7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये और गिरने को मिल सकता है, 172 तक जा सकता है। लेकिन इससे हमको नहीं, हमको तो 165 का स्टॉप लॉस आपको बता ही दिया, 165 का स्टॉप लॉस है, 165 को हो सकता है वो टच करे, तो 160 को क्लोजिंग बेसिस पे बताया मैंने आपको स्टॉप लॉस, 165 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस है। जब भी मैं आपको स्टॉप लॉस मेंशन करूँ वो क्लोजिंग बेस्ड होता है, तो आप इस पे बने रह सकते हैं। और अगर आप देखें, अगर मैं आपको क्यों बताया कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका, तो 21 दिन का डेमा देखिए, 204 रुपया आपको 21 दिन का देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा 204 रुपया 96 पैसे, ये वाला ऊपर वाला जो है, ये वाला, ये लाइन, अब इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, आपको, आपके लिए बोल्ड कर देता हूँ, और इसको मैं एक बार येलो कर देता हूँ। तो आप इस लाइन को देखिए, ये वाली लाइन, ये येलो वाली लाइन जो है, ये 204 रुपया जो यहाँ पे है, 204 रुपया, तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक आप अभी चाहे न्यू कमर कोई भी इससे बाइंग पोजीशन नहीं बनाए तो अच्छा रहेगा। और अगर किसी ने बना के रखा है तो 165 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। फर्दर नीचे फॉल हो सकता है, इसलिए आप नीचे जाके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। न्यू कमर के लिए है कि ये 205 क्रॉस करे तो ही इसमें बाय पोजीशन फिर से बने, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये अच्छा खासा गेन आपको दिखा सकता है, इस शेयर में पूरा दम है, फाइनेंशियली कुछ नहीं हुआ है, घर के अंदर लड़ाई हुई है, बट इसको ये कंट्रोल होगा स्टैच्यूरी लेजिस्लेशन से, और RBI कंट्रोल कर ही रहा है और आगे जाके कंट्रोल भी हो जाएगा। इसमें कुछ बहुत जाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा आपने देखा डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, पहले रोटेशन मानेगा कि नहीं मानेगा, उसके कुछ 9 कंडीशन है, 9 कंडीशन में एक साइन हुआ, एक एग्री हुआ, नहीं हुआ, ये एग्री होंगे, 21 दिसंबर आ ही जाएगा तो एग्री होना ही पड़ेगा, RBI ने 31 जनवरी तक का लास्ट डेट तो दिया ही है, तो 31 अगर आप, दूसरा आपको मैं एक बार इसको डेरिवेटिव से भी समझाऊँ ना, तो मुझे जो डेरिवेटिव देख के लग रहा, कॉल पुट देख करके जो लग रहा, 27 दिसंबर का कॉल पुट देखेंगे, तो मुझे यहाँ आप देखिए हर लेवल पे बाई हो रही है, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पोजिशन 200 पे है, तो सबसे ज़्यादा बाइंग 200 पे, इसको सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे अभी टाइमिंग, और यहाँ पे सपोर्ट जो देखेंगे तो सपोर्ट सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे 9,92,160 पे है, तो सपोर्ट आप यहाँ पे जहाँ आज भी एडिशन हुआ, कॉल राइटिंग हुई 1,54,000 की, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट यस बैंक का 160 पे है, और 220 के आसपास आप देखें 200 से लेके 220 तक का इसका अच्छा खासा, इनफैक्ट यहाँ पे आप पोजिशन आज भी देखें तो 5 लाख का 200 पे बना है, और 250 पे 4,42,000 का एडिशन हुआ, कॉल राइटिंग हुआ है। तो ये जो भी पोजीशन देखें आप टोटल टोलेट्री में देखें तो 1,06,17,250 यहाँ पे है, जबकि कॉल साइड में सिर्फ 52 लाख आपको पुट साइड में, मीन्स की दिसंबर की जो पोजीशन रोल ओवर हो रही है और न्यू बाइंग हो रही है वो भी सिर्फ बाइंग इंटरेस्ट से पॉजिटिव साइड से कॉल साइड में हो रही है। तो किसी भी तरह मुझे दिसंबर का जो पोजीशन दिखता है वो अच्छा दिखता है, और 200-205 का आज के डेट में 200 का देखेंगे तो आपको 10 रुपये के आसपास मिल रहा है, और ये 1750 का लॉट होता है। तो अगर पेपर ट्रेडिंग करें तो आप इसको 1-2 दिन और रुक जाइए, ये आपको 6-7 रुपये तक मिलता है, तो आप इसको 200 का 8 रुपये तक में अगर आता है तो आप यहाँ पेपर ट्रेडिंग 200 का 8 रुपये में कर सकते हैं।
ये अच्छा पोजीशन होगा। अब बेहतर तो ये होगा जब जनवरी में, चूंकि इनका न्यूज आने वाला है तो आप जनवरी की बाइंग करें, लेकिन इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं, यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होगा, मूवमेंट ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी आप 200 का अगर देखें तो 24 रुपये पर मिल रहा है, छोड़िए इसको ना, आप दिसंबर का ही पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यू ये फॉल साइड बना रहा है, तो ये एक लो के बाद दूसरा लो, दूसरा लो के बाद तीसरा लो, ये कंटिन्यू फॉल साइड बना रहा है। तो इसलिए अभी चाहे तो आप प्रिकॉशनरी इसमें रुक सकते हैं यस बैंक में, और अब स्टॉप लॉस 165 का लोअर लेवल पे अगर जाता है तो, अगर आपको 10-10 शेयर है, 100 शेयर खरीदने हैं तो आप 10-10 शेयर इसको बाय करके एवरेज भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यस बैंक में, आपको अच्छा खासा इसमें यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगा यस बैंक में। अगर मेरा पर्सनल है ओपिनियन है, इसमें बाई करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये फॉल हो रहा है तो हम इसका वेट करते हैं, और जब ये आप ट्रेंड लेगा तो वहाँ बाय कर लेंगे। तो आप इसमें इस लेवल पे भी अगर बाय करते हैं, कल भी फॉल होके ही गिरने का चांसेस है इसमें। जो आज जब देखेंगे निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर हुआ है, आज जहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी बैंक जो है अच्छा खासा आपको प्लस दिखाया है, वहाँ पे भी ये अगर निगेटिव दिखा रहा है तो आप देखिए निफ्टी बैंक यहाँ पे आपको 26443, तो आपको आप देखिए कितने परसेंट का चेंज हुआ है, 77 पॉइंट का चेंज हुआ है, 0.29 का। तो जहाँ आज ये नीचे भी दिखाया था, लो भी बनाया था, 26268 का लो भी बनाया था निफ्टी बैंक, तो इसके बावजूद यस बैंक में अगर गिरावट आपको देखने को, सबसे ज़्यादा अगर अच्छा खासा लूजर है 3 पॉइंट के साथ आप देखें तो सबसे बड़ा लूजर जो था यस बैंक था आज का निफ्टी बैंक में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, चाहे तो कोई उसमें एवरेज भी कर सकता है, लोअर में छोटे छोटे बाय कर सकता है पोजिशन को, 50-50 का 100-100 का बाय करें और इसको एवरेज करें हर लेवल पे। ये कोई 165 से बिलो मुझे नहीं दिखता है कि ये जाएगा किसी भी हालत में, तो 165 पे एक अच्छा पोजीशन है, और 160 पे तो ऑलरेडी आपको दिखाया है, यहाँ पे जब आपको इसका ये दिखा रहा था तो वहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि 160 पे अच्छे खासे पोजीशन ये बना करके बैठा हुआ डेरिवेटिव में। तो आपको यहाँ पे जब यस बैंक ने दिखाया आपको सपोर्ट है इसका 160 पे, 992,000 का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, तो इसके लिए भी यस बैंक में अच्छी खासी बैंक पोजिशन बन सकती है। तो आप फिर भी ये सारे वीडियो एजुकेशन पर्पज से, आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।